हेलो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपडेट देने के लिए। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हमारे साथ। ये सब लोग मिलके हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कल इन लोगों ने कुत्ते का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ना ही मेरे FIR दर्ज हुई है, ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई, ना ही कोई एप्लीकेशन ली गई है। इन पुलिस वालों ने मिलकर और संजय गांधी की अथॉरिटी ने मिलकर आपस में क्या गेम खेला इस बारे में मुझे नहीं पता। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई है। पुलिस वाले मैं बोल रहे हैं कि आपकी FIR हो गई है, आप आके FIR कॉपी ले लो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और देख रही हूँ मैं कि मैंने जब कोई कंप्लेंट ही नहीं करी इनके पास, मेरी रिसीविंग ही नहीं है मेरे पास कोई, मेरा एप्लीकेशन इन्होंने लिया ही नहीं, तो कैसे FIR हो गई मेरे नाम से। और मेरे पे ब्लेम डाला जा रहा है कि जब मैं संजय गांधी से बाहर निकली हूँ तो मैंने उस डॉग को छत से फेंक दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे पास बहुत सारे आई विटनेस हैं सोशल मीडिया पर, जो सब लोग वहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा था कि वो बच्चा जिंदा था। तब उसकी डेथ तब हुई है जब हम उसे वेट के पास लेकर जा रहे थे, ऑन द वे थे हम लोग, तब उसकी डेथ हुई है। ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है मेरे बारे में कि मैंने डॉग को मारा। अगर मुझे डॉग को मारना ही होता, मैं उसे हॉस्पिटल से बाहर क्यों लेकर आती? मैं उसे वहीं पर पिटने देती और आराम से बैठकर वीडियो बनाती। मेरे को उस बच्चे को बचाना था, इसलिए मैं उसको ICU 2 से बाहर लेकर आई और वेट के पास मैं ले जा रही थी, लेकिन बीच में ही उसकी डेथ हो गई। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने उसको छत से फेंक कर मार दिया। ये जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है मेरे खिलाफ, इसको प्लीज बंद कर दीजिए। और यही मेरा स्टेटमेंट है कि बच्चा तब जिंदा था और बच्चा मरा है तो सत्यम और प्रदीप की वजह से। और जो संजय गांधी में चल रहा है, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ प्रूफ होने के बाद भी।